हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई है। आज बहुत सारा काम फैल गया था, उस वजह से आगे ब्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, तो ब्लॉग में लास्ट तक बनी रही है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में आज बना है कद्दू की सब्ज़ी और पराठे। शर्मा जी खाना खा रहे हैं और मैं बेटू को भी खाना लगा दे रही हूँ, अथर मेरे साथ ही खाएगा। सो आज बना है कद्दू की सब्ज़ी और पराठा जल्दी जल्दी में, बस मैं यही बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था सुबह से, और वो सब मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आपको ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी आगे। सो यहाँ पे मैं बेटू को भी खाना दे के आ रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। टाइम यहाँ पे हो रहा है समथिंग 2 बज रहे हैं, हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और आज बच्चों ने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, अब जाके वो खाना खा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट ही हो गया है आज तो। और बेटू और शर्मा जी खाना खा चुके हैं, अब मैं अपने और अथर के लिए भी बना लूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने अपने और अथर के लिए भी पराठे सेक लिए हैं, और मैं और अथर साथ में ही खाते हैं क्योंकि अथर को खिलाना पड़ता है। तो थोड़ा सा आटा बच गया था, वो मैं रख दूँगी फ्रिज में और शाम को इससे रोटियाँ बना लूँगी। सो फ्रेंड, यहाँ पे खाना पीना हो गया है, मैंने अथर ने भी खा चुके हैं खाना, और अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ, क्योंकि बर्तन पड़े रहेंगे तो फिर और आगे और फैलारा हो जाएगा मेरे लिए। सो मुझे हाथों हाथ बर्तन साफ़ करने हैं, और मशीन लगा दी है तो कपड़े भी वॉश होते जा रहे हैं। सो मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लूँगी और स्लैब वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे बर्तन और स्लैब साफ़ हो चुका है। थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने ली थी, जितनी मुझे ज़रूरत थी सब्ज़ी सभी रखी थी, अदरक हरी मिर्ची और टमाटर वगैरह नहीं थे, सो मैंने ली थी। यही सब मैं बस अच्छे से धो के रख दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी ना इस समय एक तो सब्ज़ी मिल भी नहीं रही है, और दूसरा सब्ज़ी एकदम बेकार मिल रही है, गली जो भी चीज़ आप लोग एकदम गली गली मिल रही है। और सब्ज़ी मैं हमेशा ऐसे ही
चाहे मैं मंडी से लेकर आऊं, चाहे मैं बाहर से लूं, लेकिन सब्जी मैं हमेशा ऐसे ही साफ़ करके अच्छे से पानी से दो तीन से धो के और ऐसे कपड़े पर फैला के रख देती हूँ। जो बास्केट में ऐसी सब्जियाँ जैसे मिर्ची वगैरह, वो पानी निकल जाता है, सब पहुँच पहुँच के फिर मैं फ्रिज में स्टोर करने रख देती हूँ, जिससे सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती है। और बाहर से आती है तो बहुत थोड़ी बहुत तो गंदी होती ही है सब्ज़ी, तो बस इसी तरह से मैं मिर्ची वगैरह साफ़ कर लूँगी। और जो धनिया है ये सबसे जल्दी ख़राब होती है, क्योंकि ये कुछ कुछ पत्ते इसमें पीले आते हैं, कुछ गले आते हैं, क्योंकि वो लोग पानी डालते रहते हैं तो उसे गल भी जाती है। तो धनिया साफ़ कर लूँगी और अच्छे से वॉश करके कपड़े पर फैला दूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लूँगी मैं धनिया को और कपड़े पर फैला दूँगी। और शाम को इसको ना एक एयरटाइट बॉक्स में या तो मैं टिश्यू पेपर लगाती हूँ या फिर कॉटन का पतला कपड़ा लगा के रख देती हूँ, तो ये आराम से चल जाती है मेरी 5 से 7 दिन तक, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी वॉश हो गई है अच्छी। सो लास्ट मेरा रह जाता है सिंक को साफ़ करना, इसको भी मैं लास्ट में अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, सूखा कपड़ा भी मार देती हूँ जिससे जम्स वगैरह नहीं आते हैं। और क्लीन रहेगा तो कॉकरोच वगैरह आने का भी इतना डर नहीं रहता है, नहीं तो बहुत कॉकरोच हो जाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश होती ही रहती है आजकल, तो बारिश बंद ही नहीं हो रही, उसी वजह से तो सब्ज़ी वगैरह नहीं मिल रही है ज़्यादा कुछ अच्छी। सो यहाँ पे मैं किचन टॉवल के ऊपर ये धनिया को ऐसे फैला दूँगी जिससे पानी अच्छे से सूख जाएगा, और फिर जब पानी सूख जाएगा तो फिर मैं इसको एयरटाइट बॉक्स में कॉटन का कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी वगैरह वॉश मैंने कर ली है और किचन भी एकदम से क्लीन हो गई है। और यहाँ पे समथिंग 4 बज रहे थे मुझे, और आज इसी काम में मुझे बहुत लेट हो गया। आज मैंने ये कुशन की जो अंदर की कॉटन है ये निकाली थी और कुशन को मैंने धो दिया है। अब देखती हूँ ये मुझे ज़्यादा अच्छी तो नहीं लग रही, अगर हो जाएगी ठीक तो फिर इसी को रख। सो कल मैं इसको अच्छे से ठीक करके कुशन में भर दूँगी। और यहाँ पे अथर्व की स्टडी चल रही है। चलो ग्रीन जी आर डबल ई डबल ई एन एन ग्रीन ग्रीन ओके ग्रे जी आर ई वाई ग्रे जी हाँ आर ई वाई ग्रे ग्रे ब्राउन की सुनाओ ब्राउन यह डी आर ओ फ्रेंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है फ्राइडे, व्लॉग जाएगा सैटरडे को। सो आज के मतलब शुरुआती इतनी ख़तरनाक वाली हुई है कि अभी जाके एंड हुआ है मॉर्निंग वाले काम का, 5:30 हो रहा है जो कि हमारा रहता है, और वो मेरी एक वजह से हुआ थोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि अभी निकाल लो, बाद में ना आप क्लीनिंग कर लो, उसके बाद में थोड़ा बहुत फैला रहा हो जाए, तो वो थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है। सो मैंने सोचा कि शर्मा जी को सुबह सुबह कहीं बाहर काम से जाना था, तो मैंने कहा ये चले गए, अभी खाने का झंझट नहीं है। सो मैंने वो मेरे जो पुराने क्वेश्चन थे तो मैंने कहा इनको वॉश कर लेती हूँ, गंदे भी हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, और इनका जो कॉटन है सो इसको मैंने सोचा इसको अच्छे से जैसे कि खींच खींच के, जैसे मैंने आपको वीडियो में शो कराया है कि कैसे आप ओल्ड कुशन को न्यू कुशन में कन्वर्ट करें उस तरह से, तो बस वही मैंने कहा इनको मैं इसका कॉटन भी ठीक हो जाएगा और वॉश हो जाएंगे, दिवाली आ ही रही है तो साफ सफाई शुरू कर दें। तो वो मैंने जैसे डस्टिंग से पहले मैंने वो कर लिया, तो एक तो डस्टिंग के लिए देर हो गई, फिर क्योंकि उसको खोला मैंने, सभी कुशन को खोला और उसमें से कॉटन निकाली और फिर उनको वॉश मशीन लगाई, फिर काफ़ी कपड़े भी हो गए थे मशीन लगाई, इस वजह से मुझे तो 2:30 बज गए। और आज बच्चे 2:30 बजे तक भूखे रहे और उसके बाद उनको खाना मिला और ब्रेकफास्ट नहीं बना, क्योंकि उसी चीज़ में मैं इतना वो हो गई कि उसमें मतलब वो फैला रहा फैलता गया, तो फिर वो बटोरते बटोरते अभी 5:30 बज गए हैं इवनिंग के। तो बस ये समझ लीजिए आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा फैल गया था सारा कुछ काम। सो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ फ्रेंड्स, लेकिन वॉश कुशन कवर वॉश कर दिए थे मैंने अभी, लेकिन वो सूखे नहीं है, वरना मैं हाथों हाथ उनको भी उसके अंदर कॉटन भर के उसको सिल भी देती। सो वो मेरा काम हो सकता है मैं नाइट में कर लूँ या फिर मैं मॉर्निंग में कल कर लूँगी। मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि मॉर्निंग में फैला रहा हो गया,
फिर है ना, जैसे मैंने वो फैलाया, फिर मैंने डस्टिंग की, फिर मैंने पोंछा किया, उसके बाद मैं फिर मशीन लगा के आ गई थी, फिर मैंने नहाया, पूजा की, खाना बनाया, ऐसे ऐसे मुझे 2 बज गए। पता नहीं चला कि दुख कैसे कितनी जल्दी 2 बज गए, क्योंकि टाइम ना मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन छोटे होने लगे हैं अब। सो दिन छोटे होने के कारण यह समझ लीजिए अपना खुद का फैला लिया, इस वजह से आज बहुत लेट हो गया। सो फ्रेंड, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां लेकर आए। और अगर बीपी प्रॉब्लम चल रहा है तो मैंने इस बार फास्ट नहीं रखा, वरना मैं जिस दिन माता बैठती हूँ उस दिन रखती हूँ और अष्टमी वाले दिन रखती हूँ। सो इस बार मैंने नहीं रखा है। बच्चे दोनों स्टडी कर रहे हैं, मैं पास में ही बैठी हुई थी, तो मैंने कहा लाओ इस ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ और आप सभी से बातें भी कर लेती हूँ। सो बस यही था आज का हमारा दिन, और आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।